dear students, how are you? Fine, very good. So, dear student, in last class we solved exercise 4.9. In this class we solved exercise 4.10, page number 130 and chapter number 4 also. Okay, so dear student, in this class we have to learn how to convert kilogram to gram. है ना, केजी, केजी, के से किलो एंड जी से ग्राम. सो किलोग्राम कन्वर्ट इनटू ग्राम. सो टेल मी व्हाट डू यू थिंक अबाउट किलोग्राम. यस, व्हेन वी परचेज एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, सो वी कैलकुलेट देयर वेट टू किलोग्राम. Such like sugar, our weight, so we calculate our weight in kilogram. We calculate sugar in kilogram. Okay, so dear student, 1 kilogram equal to 1000 gram. अगर आपको sugar है, जैसे अगर आपको 1 kilogram नहीं purchase करनी है, आपको कम क्वांटिटी में चाहिए, तो आप हाफ के जी परचेज कर सकती हैं. सो हाफ के जी में कितना ग्राम आएगा? 1 के जी में 1000 ग्राम है, तो हाफ के जी में 500 ग्राम. वेरी गुड. सो लेट्स वी स्टार्ट अवर एक्सरसाइज. एक्सरसाइज 4.10 सेक्शन नंबर ए एंड क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इज फिल इन द ब्लैंक्स. सो वी फिल हियर what value comes. Okay, so we convert firstly 6 kg. Here 6 multiply, हमें किससे multiply करना है 6 में, उसको gram में convert करने के लिए. So dear student, 1 kilogram equal to 1000 gram. Okay, so here 6 kilogram, 1 kilogram में कितने grams है? 1000 gram है. So 6 किलोग्राम में कितना ग्राम होगा? 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1000, सो 6 वन जा 6, वी मल्टीप्लाई 6 टू दिस 0, सो 6 0 जा 0, अगेन मल्टीप्लाई बाय दिस 0, सो 6 0 जा 0, एंड एट लास्ट we multiply 6 to this 0 and 6 zeros are 0 gram. Okay, so here our answer is 6000 gram. 6 kilogram equal to 6000 gram is our answer. So we can put this value here. Okay beta, so 6, 6 mein kiska multiply karenge, how many gram in a kilogram? Yes, 1000. 6 multiplied by 1000 gram. So our answer is 6000 gram. 1000 में कितने zeros होते हैं? 3 zeros होते हैं. So 6000 gram. Okay, वैसे gram यहाँ पर भी लिखा हुआ है. तो हम सिर्फ क्या लिखेंगे? 6000 ग्राम. ओके, यहाँ पर ऑलरेडी फिलिंदा बैंक्स ने आपको ग्राम दिया है, तो आपको यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है. वी फिर ओनली 6000 हियर ग्राम आपको दिया है. सो 6 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम, सो 6000 ग्राम इज अवर आंसर. ओके बेटा, सो वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर सेकंड. In question number 2, 7 kg and 250 gram. 7 kg and 250 gram. So tell me student, क्या हम इस 250 gram को convert करेंगे? नहीं करेंगे. Why? Because it is in already in gram. ये पहले से gram में है, तो हमें 250 gram को convert करने की जरूरत नहीं है. हम सिर्फ इसको convert करेंगे 7 kg को. ओके, सो 7 मल्टीप्लाई, किससे मल्टीप्लाई करेंगे 7 का? 1 केजी इक्वल 1000 ग्राम. सो वी मल्टीप्लाई 7 टू 1000 ग्राम प्लस 250
gram. Okay, now we multiply 7 to 1000. So 7 ones are 7. जब 0 से multiply हुआ सी 7 का तो 0 again 0 and again 0. Okay, so 7 multiply 1000. So 7000 gram plus 250 gram. So dear student, here units are same. यहाँ पर units कैसी हैं? Similar है ना? ये भी gram है और ये भी gram है. तो मैंने आपको बताया था ना, जब दोनों यूनिट सेम होती है तब हम उन पर ऑपरेट कर सकते हैं, हम उसको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो 7000 एंड 250 ग्राम 7000 एंड 250. सो वी ऐड दिस नंबर, 0 का 0, 5 का 5, 2 का 2 एंड 7. सो व्हाट इज आवर आंसर? 7250 ग्राम. ओके, यहाँ पर क्या आएगा? 7250 ग्राम. ओके बेटा, सो वी फिर दिस ग्राम. यहाँ पर फर्स्टली आपको क्या दिया है? 7 kg 250 ग्राम. यहाँ पर 1000 भी दिया है एंड 250 ग्राम भी दिया है. हमें क्या फिल करना है यहाँ पर? इस वाले स्टेप में ओनली 7 फिल अप करना है. ओके, सो 7 multiplied by 1000 gram plus 250 gram. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? 7 का मल्टीप्लाई किससे हुआ? 1000 से. तो 7 का मल्टीप्लाई जो 1000 से हुआ था तो हमारा क्या आएगा आंसर? 7000 ग्राम. ग्राम ऑलरेडी लिखा हुआ है, सो वी पुट अप ओनली 7000 हियर. और यहाँ पर 250 ग्राम है, ग्राम लिखा हुआ है, सो 250. ओके, अब दोनों यूनिट सेम थे, हमने इन दोनों को प्लस किया था 7000 एंड 250. ओके, तो हमारा क्या आया? 7250 ग्राम. सो 7250 ग्राम इज आवर आंसर. ओके बेटा, क्लियर हुआ? वेरी गुड. नाउ वी सॉल्व सेक्शन नंबर बी हियर, बिकॉज सेक्शन नंबर ए में 2 क्वेश्चन ही थे. ओके, सो वी सॉल्व नेक्स्ट सेक्शन हियर. सो हियर क्वेश्चन नंबर सेकंड, कन्वर्ट इनटू ग्राम्स. हमें कोई नंबर दिया हुआ है और हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है? ग्राम्स में कन्वर्ट करना है. और हमें किस में दिया है? किलोग्राम में दिया है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 4 किलोग्राम, और हमें इसमें इसे किस में करना है? इसे हमें ग्राम में कन्वर्ट करना है. ओके, सो 4 मल्टीप्लाई बाय, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. सो 4 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम. जैसे हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो हम यहाँ पर केजी के प्लेस पर क्या लिख देंगे? ग्राम लिख देंगे. ओके, सो जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 का 0 के साथ होगा 0, अगेन 0 के साथ होगा 0 एंड लास्ट 0 के साथ होगा, तब भी क्या होगा? 0 होगा. सो 4 multiplied by 1000 equal to 4000 ग्राम इज अवर आंसर. ओके बेटा, 4 kg equal to 4 multiplied by 1000 ग्राम. सो अवर आंसर इज 4000 ग्राम. ओके, सो क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 7 किलोग्राम. ओके, सो वी कन्वर्ट दिस किलोग्राम इनटू ग्राम. सो यू नो एवरीवन, 1 किलोग्राम इक्वल टू 1000 ग्राम. सो वी मल्टीप्लाई 7 किससे करेंगे? 1000 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, सो 7 का मल्टीप्लाई 1 के साथ होगा, 7 वन 7. 7 का मल्टीप्लाई 0 के साथ होगा, 0 अगेन 0 के साथ होगा, 0 एंड अगेन 0. ओके, 3 जीरोस के साथ हुआ तो 3 टाइम्स क्या आया? 0 ही आया. यू नो एवरीवन, किसी भी नंबर पर जब हम 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 0 क्या बना देती है?
यस, सबको जीरो बना देती है ना। जीरो का नेचर होता है कि जब जीरो में किसी का मल्टीप्लाई होता है तो वो सबको ही जीरो कर देती है, भले वो कोई भी नंबर लाख में हो, करोड़ में हो, थाउजेंड में हो, बट वो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो होल नंबर किस में चेंज हो जाएगा, जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। सो सेवन मल्टीप्लाई बाय 1000, सो सेवन वन से सेवन, और जब सेवन का हमने जीरो के साथ किया तो जीरो जी आए, ओके। सो अवर आंसर इज 7000 ग्राम, दैट मीन्स 7 kg इक्वल टू 7 × 1000 ग्राम, सो अवर आंसर इज 7000 ग्राम, ओके। सो वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, हियर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1 kg 872 ग्राम्स कन्वर्ट इनटू ग्राम्स, तो हम किसको कन्वर्ट करेंगे। यू कैन सी कि यहाँ पर 872 ऑलरेडी किस में है, ग्राम में है, तो हम सिर्फ किसको कन्वर्ट करेंगे, 1 kg को कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे, लेट्स सी, 1 kg प्लस 872 ग्राम्स, नाउ वी कन्वर्ट दिस किलोग्राम इनटू ग्राम, सो 1 kg इक्वल 1000 ग्राम प्लस 872 ग्राम, ओके। 1 का 1 के साथ हुआ, सो 1 1 का 1 एंड 0 के साथ होगा तो 0 0, सो 1000 ग्राम प्लस 872 ग्राम, ओके। अब देखिए दोनों यूनिट्स कैसी है, सिमिलर है, यहाँ पर भी ग्राम है और यहाँ पर भी ग्राम है, तो हम हाँ इन दोनों को क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं ना, ओके। 1000 प्लस 872 ग्राम्स, ओके। 0 + 2 2, 0 + 7 7, 8 + 0 8, एंड 1 का 1 हो जाएगा, तो हमारा क्या आया, 1872 ग्राम, क्या आएगा, 1872 ग्राम। सो अवर आंसर इज 1872 ग्राम, ओके। इन दोनों को प्लस कैसे करना है, हम लास्ट से अरेंज करते हैं, राइट हैंड साइड से अरेंज करते हैं, तो हमने 872 को लास्ट से अरेंज किया है, ओके। और जब हमने दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर आया 1872 ग्राम्स। सो 1 kg 872 ग्राम इक्वल टू 1872 ग्राम इज अवर आंसर। सो लेट्स वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 एज सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 3, सो वी सॉल्व हियर क्वेश्चन नंबर 6। सो अवर क्वेश्चन नंबर 6 इज 7 kg एंड 45 ग्राम्स, ओके। सो वी कन्वर्ट इट्स होल नंबर टू ग्राम्स, ओके। सो 7 kg प्लस 45 ग्राम्स, तो अब हम इसको किसमें कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। सो 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 ग्राम प्लस 45 ग्राम्स। अब 7 का 1000 के साथ होगा तो क्या आएगा, अभी हमने और क्वेश्चंस में भी किया था 7 का मल्टीप्लाई 1000 के साथ, तो हमारा आंसर क्या आया था, 7000, वेरी गुड। सो 7 × 7 0 का 0 एंड 0 है ना, सो 7000 ग्राम प्लस 45 ग्राम्स, ओके बेटा, 7000 प्लस 45 ग्राम्स, 0 + 5 5, 0 + 4 4, 0 का 0 एंड 7 का 7, सो हमारा आंसर इज 7045 ग्राम। सो अवर आंसर इज 7045 ग्राम, ओके बेटा, क्लियर हुआ, क्लियर, वेरी गुड। सो वी सॉल्व नेक्स्ट क्वेश्चन, हियर वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 8
is the last question of exercise 4.10. So we solve question number 8. Okay, Rita? So question number 8 is 9 kg and 5 gram. So we multiply 9 को किसके साथ multiply करना हमें? 1 kg equal to how many grams? 1000 grams. Very good. So 9 multiply by 1000 gram. अब इसके क्या plus करेंगे? 5 gram. Very good. Okay. अब 9 का multiply किसके साथ होगा? 1000 के साथ. So 9 बनता 9 and 0. फिर किसके साथ होगा? 0 के साथ. और फिर किसके साथ होगा? 0 के साथ. Okay. So here 9000 gram and 5 gram. Okay. So we add both numbers. क्योंकि दोनों किसमें हैं? दोनों ग्राम्स में हैं. तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं? प्लस कर सकते हैं. कैसे प्लस करेंगे? 9000 प्लस 5. ओके, क्योंकि 5 सिंगल है ना, वन नंबर है, तो हम राइट हैंड साइड से लिखना शुरू करते हैं ना, इसलिए हमने सबसे लास्ट में 5 को रखा है. वैसे भी आपको ऐड तो आता है ना. गुड. 0 प्लस 5 विल बी 5. 0 का क्या जाएगा? यहाँ पर हम 0 भी शोर कर सकती है अगर हम चाहें तो. हम 5, हमारा जो 5 नंबर है इसके पहले हम जीरोस को पुट अप कर सकते हैं. सो 0 का 0, 0 का 0 एंड 9. ओके, सो 9005 ग्राम. अब आवर आंसर इज 9005 ग्राम. ओके बेटा, क्लियर हुआ? ओके, वेरी गुड. नाउ योर एक्सरसाइज 4.10 is complete here. Okay, so we will solve next exercise in next class. Thank you.